हे नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको कि ये जो चिमनी है ये हमारा फेवर ब्रांड का 24 इंच का चिमनी है। तो इसको अभी हम लोग इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी वे में आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप कैसे आप चिमनी लगा सकते हो, और ये जो फाइबर ब्रांड का चिमनी है, अगर आपको ये चिमनी पसंद आता है तो मैं इसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि चिमनी आप कैसे लगा सकते हो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके फेवर ब्रांड का ये चिमनी है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बॉक्स ओपन करके ये चिमनी मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ, जो कि पूरा ब्लैक बॉडी में है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये पूरा डिटेल्स है, आप इस वीडियो को रोक के देख सकते हो, अच्छे से डिटेल्स पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका जो ये वायर है, ये वायर का जो अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये अराउंड आपका 2 से 3 मीटर का लेंथ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसका जो तार का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि ब्रांडी फेवर का बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे नंबर वगैरह, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये फेवर ब्रांड का है, और ये आपका सेंसर वाला चिप। और यह रहा चिमनी का मिडिल एरिया जहाँ पे हम लोग चिमनी हैंग करने वाला, तो ये सेंटर पॉइंट ऑफ करके इसका आपका मेजरमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को क्लिप को देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा ये यहाँ से जो बॉटम है, बॉटम से लेकर यहाँ जो क्लिप जहाँ पे आपका हैंग हो रहा है उसके मेजरमेंट से यहाँ पे आपको जो हम लोग का ये सेंटर है, ये सेंटर से मतलब ये सेंटर से पहले आपको मशीन का इससे और इसे सेंटर लेना है। उसके बाद ये जो आपका क्लिप हैंग हो रहा है, और बॉटम से यहाँ से आपका ये जहाँ पे स्क्रू होगा उसका मेजरमेंट मिलता है। जो मेजरमेंट जैसे कर रहा है कि हम लोग पहले जो बॉडी का हुड का हाइट था, जहाँ पे क्लिप हम लोग का लग रहा है, क्लिप का हाइट था, वहाँ पे हम लोग को मेजरमेंट लेना है। और मेजरमेंट इसका सेंटर, और इसका जो हाइट जहाँ पे हमारा क्लिप लगेगा वो हम लोग होल करेंगे सेंटर पॉइंट से लेकर। और ये क्लिप लगने के बाद मैं आपको ये जो होल है, ये होल का जो साइज़ है वो आपको 6.5 से 7 इंच ही रखना है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 6.5 से 7 इंच का होल होना चाहिए। ये जो वार्निंग नोट है इसको आप पढ़ लीजिए कि ये जो जितना भी आप स्टिकर देख रहे हैं, ये आपको इंस्टॉलेशन के बाद पूरा इसको निकाल लेना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जब भी आपका ऑयल वगैरह लगता है तभी वो बहुत गंदा हो जाता है, और वो बाद में आप निकलेगा नहीं, तो उसके वजह से उसको आपको निकाल लेना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग का यहाँ पे ब्रैकेट लगाना हो गया है, और इसको अभी हैंग जो करना है इसके पीछे में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हम लोग का ब्रैकेट के लिए इस जगह में आप जो देख रहे हैं ये ब्रैकेट का जो क्लिप है वो क्लिप जाके वहाँ पर हैंग होता है। क्या है कि ऊपर में हमारा पूरा होलो है, ये जो आप हुड है हमेशा हुड का जो कटिंग होता है 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि बाद में वो तार वगैरह आना जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉकेट है और ये जगह आपका क्लियर रहने से सर्विसिंग वगैरह करने में बहुत ईजी होता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा चिमनी लगाते समय ध्यान रखना है कि ये जो जगह है हमारा, ये जो हमारा चिमनी है ये 60 सेंटीमीटर का है, लेकिन हम लोगों ने जो जगह रखा है वो 36 इंची से प्लस का हम लोगों ने यहाँ पर जगह रखा हुआ है, क्योंकि ये जो आप डाया देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 इंची होता है, मतलब 60 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग ये 3 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, और ये जो बॉडी है ये जगह में पूरा हम लोग का क्लियर रहता है कि आप सर्विसिंग वगैरह जब भी करते हैं, चिमनी वगैरह उठाते हैं तो आपको इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये जगह, हम लोग हमेशा चिमनी के लिए आपको परफेक्ट जगह जो है, अगर आप 24 इंच का चिमनी लगा रहे हैं तो आपको 30 इंच का जगह आपको रखना ही रखना है, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और ये जो हुड है, ये हुड हमारा 14 से 14 इंच का, लगभग 14 से 15 इंच का होता है, तो उसके इधर से भी आपका जो हुड का कटिंग होके जो अंदर जाएगा तो वो भी जगह आपको अराउंड 2 से 2.5 इंची क्लियर रखना है, ताकि आपका ये हुड आराम से चला जाए अंदर, तार वगैरह यहाँ पे लग जाए, तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप जो सिस्टम देख रहे हैं ये फेवर ब्रांड का हमारा, अगर ये चिमनी आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है हमारा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो चिमनी है, ये सेंसर वाला चिमनी है जो मैं आपको अभी ऑपरेट करके दिखाऊंगा, इसका डेमो भी मैं दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये हम लोग का एल्युमिनियम पाइप है, और ये जो है इसको रिड्यूसर बोलते हैं, जाकि वो चिमनी का जो हेड होता है वो चिमनी के पास वहाँ पे चल जाए, इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसर लगाते हैं, ताकि ये पाइप कभी भी डैमेज ना हो, तो इसके वजह से इसको लगाया जाता है। और इसको अच्छे से आपको लगाने के बाद इसमें टेप मार देना है, आप इसमें ब्राउन टेप और वाइट क्लियर टेप कुछ भी टेप मार सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम लोगों ने चिमनी ओपन करने के बाद पहले ये पाइप जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट कर ले रहे हैं, जो होल है उसको आप बाहर की तरफ कर लीजिए, और बाहर की तरफ आप इसको काउल भी लगा सकते हैं, जो कि कुछ अगर बर्ड्स वगैरह वो अंदर ना आए, लेकिन हम लोग यहाँ पे पाइप बड़ा है तो हम लोग उसको पीछे की तरफ बाहर की तरफ हैंग कर दिए थे थोड़ा। और यहाँ पे ये लगाने के बाद अभी हम लोग चिमनी हैंग करने के बाद ये जो पाइप है वहाँ पे हम लोग पाइप उसमें एडजस्ट कर दिए, और ये जितना भी स्टिकर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं चिमनी इंस्टॉलेशन होने के बाद ये जो फिल्म क्या होता है आपका, इसको आपको याद से हटा देना है। और अगर आप साइट अगर आपका रनिंग है और अगर अभी आप नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हैंडओवर के टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको हटा देना है फिल्म को, ठीक है। और अभी हम लोग का ये साइट हैंडओवर के लिए रेडी है, सारा काम डस्टिंग का हो चुका है, तो ये चिमनी हम लोग एकदम लास्ट में इंस्टॉल करा के इसका जो भी फिल्म है वो हम लोग हटा दे रहे हैं, ताकि जो आपका स्टील का बॉडी है अगर इसमें अगर ये रहेगा और बाद में अगर आप इसको हटाएंगे तो पूरा एक तरह से दाग हो जाएगा और तेल पकड़ लेगा, तो वो चीज़ बहुत ही बुरा लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। और यहाँ पे चिमनी हम लोग का जो है ये अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे प्लग पॉइंट कर दिए, पाइप बाहर निकल गया है, जो कि हम लोगों ने पाइप जो लगाया है वो एल्युमिनियम का हम लोगों ने यहाँ पे पाइप लगाया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये आपका चिमनी लगने के बाद इसको अभी हम लोग आपको डेमो करके दिखा देते हैं कि इसका क्या सिस्टम है, नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल कलेक्टर है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्लिप सिस्टम में यहाँ पे लगेगा, जो भी ऑयल सक करके जो जमा होता है, मतलब जो फैन के अंदर से जो आता है वो यहाँ से पैसेज किया हुआ है, और यहाँ पे आपका ऑयल जो है इस जगह में आके जमा होता है इस बकेट में, जिसको कि आप कभी भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्लिप है, और क्लिप में ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो इस तरीके से आपका सारा जो भी ऑयल है वो वहाँ पे आके कलेक्ट होता है, सारा गिरता है वहाँ पे। और अभी इसको हम लोग ऑन करके, इसका जो स्विच है हम लोग का राइट साइड में स्विच है, तो उसको ऑन करके मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यदि ऑन हो रहा, इधर जो सार्ट सांस लो, हम कम तले चुन में एक नंबर, मीडियम रेंज में दो नंबर, बेसिक तले चुन में तीन नंबर। अपन ही ऑफ करते हैं, जेटा चल चुके सेटा गाय द्वितीय बार प्रेस कर लें, ऑफ इन चल चुके इधर गाय प्रेस कर लें, ऑफ हो गया। इधर लाइट ऑन, इधर ऑफ, এটা অটো ক্লিনের সুইচ। এটা দু মাস রান্না করে নেবেন, নিয়ে কোনো একদিন রান্না হয়ে যাওয়ার পরে অটো ক্লিনের সুইচটা চেপে ধরে থাকে, তাকে নয় দিয়ে একটা টাইমারটা শুরু হবে, ঠিক 9 মিনিট পরে ভিতরের যে মোটরটা আছে অটোমেটিক চলতে শুরু করবে, মোটরটা 1 মিনিট চলার পরে বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরে এটার মধ্যে যে তেলটা জমবে সামনের দিকে টানবে, তেলটা পরিষ্কার করে বাস। এটা অফ করার জন্য যদি বাইচান্স অফ করতে হচ্ছেন এরকম চেপে ধরে থাকবেন, অফ হয়ে যাবে। এটাই এটাই এটার কারণ হচ্ছে এদিক সেন্সর স্লো মিডিয়াম হাই, এদিক দিয়ে প্রথম ওয়ার্নিং, ঠিক আছে। তো জেসে কি আপনি দেখা ইহা পে আবি হাম লোগো নে আপকো দিখায়া কি হামারা টাচ বাটন जो है वो सेंसर वाला, और ये सेंसर वाला ऑन करने का भी रीज़न है। तो आपने जैसे देखा यहाँ से हम लोग इसको जब भी आप उसको ऑन करते हैं तो वो एक से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आप अगर कभी भी अपने खाना बनाने के हिसाब से कैसा कैसा आप छोंक लगा रहे हैं, खाना कैसा ऑयली बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चलाना है। तो यहाँ पर आप फिर से अगर इसको करेंगे तो ये दो नंबर में आएगा, फिर से अगर आप इसको सेंसर करते हैं तो ये तीन नंबर में आएगा, जो हाई स्पीड है। अब जब इसको बंद करना है तो आपको जस्ट राइट से लेफ्ट करना है, तो ये आपका तीन ब्लिंक करके आपका ये बंद हो जाएगा, जैसे कि आपने ये देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चिमनी है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चिमनी ये अच्छा लगता है तो आप इस चिमनी को ले सकते हैं, लिंक नीचे में है। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।